ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो गाइस, आप सभी को इसमें क्या करना है गाइस कि मैं इसमें जो बैकग्राउंड पेजेस दूंगा आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप उसको डाउनलोड कर लेना, मतलब वीडियो को देख लेना, उसके बाद जाकर डाउनलोड करना। एंड गाइस, उसके बाद आपको पहले तो वीडियो को प्रॉपर देखनी है कि मतलब क्या एडिटिंग मैंने कैसे करा है। तो आपको पहले सेम वैसे मतलब एक अच्छे से समझ लेना है, देन उसके बाद आपको एडिट करने जाना है। एंड गाइस, अगर अभी तक आप इन वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइज, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी को। देन गाइज, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, यहाँ से आप सभी को सबसे पहले अपने ऐड करना अपने मॉडल को। एंड गाइज, मॉडल को जो आप सभी कुछ स्टेप से ऐड करना है। एंड गाइज, का जो मैंने बैकग्राउंड है पहले से रेज कर रखा है, जिसका बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद जाकर रेज कर लेना। फिर गाइज, आपको यहाँ पे क्या करना है, अब गाइज आपको जब अभी अपने मॉडल यहाँ पे ऐड कर दोगे तो अभी आपको यहाँ पे डन नहीं करना है, अभी जाना गाइज आपको ऐड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइस, यहाँ से आप सभी को लेना है पीएनजी, ठीक है? तो इसको पीएनजी को लेना है। एंड इसको लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको गाइस कुछ स्टेप्स इसका साइड रखना है एंड अपने हैंड के पास कुछ स्टेप्स ले जाना है, ठीक है? इतना करने के बाद आपको गाइस पहले ये देखना है कि आज आपके हैंड के ऊपर ये परफेक्ट तरीके से आया कि नहीं आया। एंड गाइस, वो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी ओपेसिटी कम करके पहले देखना पड़ेगा कि आपके हैंड के पास है कि नहीं, ठीक है? तो ओपेसिटी कम करके देख लेना। देन गाइस, इतना कर दोगे तो आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे ओपेसिटी इसकी फुल कर लेनी है। जाना है आपको रेजर टूल में। रेजर टूल में जाने के बाद आपको गाइस इसकी हार्डनेस फुल कर देनी है रेजर की, एंड साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एकदम अच्छे तरीके से, आपको यहाँ पे बीच का जो एरिया है उसको इरेज कर लेना है, ठीक है? तो इसको अच्छे से इरेज कर लेना है। एंड इसको इरेज करने के बाद आपको फिर आगे क्या करना है गाइस, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो इसको मैं पहले फटाफट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे आपको मैं बताता हूँ। सो गाइस, इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे सिंपली आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, डन कर सकते हो। अब गाइस, यहाँ पे आपको डालना है इसके ऊपर ग्लोइंग इफेक्ट। अब उसको डालने के लिए गाइस क्या करेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे यहाँ पे ड्रॉ टूल में। ड्रो टूल में ले जाने के बाद गाइस, यहाँ पे आप सभी को जाना है इस कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद गाइस, आप यहाँ पे ऑरेंज वाला कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे डार्क ब्लू भी, डार्क येलो भी कर सकते हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे डार्क येलो लेंगे। फिर गाइस, यहाँ पे हम ब्रश पे क्लिक करेंगे। एंड गाइस, जो आपको हार्ड वाला ब्रश लेना है, एंड इसके आपके जो सेटिंग है इसकी हार्डनेस को आपको जीरो रखना है, एंड यहाँ पे कर देना है आपको साइज को सेट। फिर गाइस, जितना करने के बाद आपको सिंपली कुछ इस टाइप से पेंट करना है। एंड गाइस, आप पेंट कर दोगे तो उसके बाद आपको उसके यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, ठीक है? तो अब ब्लेंडिंग मोड आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे आप उसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे गाइस पहले ओवरले लग के देखना। तो गाइस, ओवरले कितना खास लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं ऐड, ठीक है? ऐड वाला जो है ब्लेंडिंग मोड उसको रखेंगे हम, ठीक है? तो आप इसको रख लेते हैं। एंड गाइस, देखिए यहाँ पे जो इसका जो अब ग्लोइंग इफेक्ट है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो अब इसको हम यहाँ पे कम कर लेंगे, अराउंड 60 से 50 के बीच में रखेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा 50 तक ही रखना, क्योंकि 60 में भी ज़्यादा ही लग रहा है, बट आप 60 भी रख सकते हो, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे 50 रख लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद गाइज, आपको फिर क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके उसको डन कर देना है। एंड गाइज, उसके बाद अब यहाँ पे प्रोसेस आता है हमारा स्मोक का, ठीक है? तो हमें यहाँ पे स्मोक डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, यहाँ से हम ऐड करेंगे स्मोक का पीएनजी, ठीक है? तो हम इसको यहाँ पे सिंपली ले लेते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे लेने के बाद इसके ऐड पर क्लिक करके, एंड उसके बाद यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे, एंड इसको कर देंगे हम स्क्रीन, तो स्क्रीन कर लेते हैं। एंड उसके बाद आपको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है? तो गाइज, देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारी फोटो यहाँ पे, कि मतलब स्मोक से हमारा जो मॉडल है वो निकल के आ रहा है, ठीक है? तो इतना कर देते हैं। अब इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी डन कर देना है। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे अब आप सभी को इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड इसमें जो कलर कलेक्शन होगी वो हम करेंगे लाइट रूम ऐप में, तो उसको अभी हम यहाँ पे सेव करते हैं, लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लाइट वाला ऑप्शन में जाएंगे, इसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, हाईलाइट्स को थोड़ा सा जो है इसको हम थोड़ा प्लस की तरफ रखेंगे। एंड उसके बाद जो शेडो है गाइस, इसकी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, शेडो माइनस कर देंगे, ठीक है गाइस? ताकि डार्क हो जाए फोटो हमारी। एंड जो व्हाइट है इसको इंक्रीज कर देना है, ब्लैक थोड़ा कम कर देना है, ठीक है? इतना करने के बाद आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, इसकी जो वाइब्रेशन है गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड जो टेम्परेचर है थोड़ा सा इसको माइनस कर देना है। फिर उसके बाद जाना आपको कलर मिक्स में, यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा माइनस कर देना है। एंड उसके बाद जो ल्यूमिनस इसको बढ़ा देना है, ठीक है? तो इतना हो जाने के बाद आपको फिर लेना है ये येलो कलर, आपको उसका ह्यू चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऑरेंज टोन में डाल सकते हो, एंड सैचुरेशन प्लस कर सकते हो, ठीक है? इतना करने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जाना आपको डार्क ब्लू में, इसका जो थोड़ा सा डार्क ब्लू है जो इसको आपको ह्यू बढ़ा देना है, एंड जो सैचुरेशन है इसको भी बढ़ा देना है। फिर यहाँ पे गाइस आपको पर्पल कलर लेना है, इसका थोड़ा सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड ह्यू को माइनस कर देना है। फिर गाइस लेना आपको पिंक कलर, इसका थोड़ा सा ह्यू जो है माइनस की तरफ रखना है, जो प्लस की तरफ इसका सैचुरेशन रखना है। फिर इतना डन कर देना है। अब गाइस आपको जाना है कलर्स के नीचे वाले टूल में।
फिर इसकी क्लियरिटी बढ़ा देना है एंड थोड़ा सा जो है फोटो में विगनेट डाल देना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग डाल देना है, क्योंकि यार जो मतलब कि विगनेट जो है सबको थोड़ा बहुत चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा चाहिए होता है, अपने हिसाब से डाल लेना। फिर आपको यहाँ पे ग्रेन माउंट बढ़ा देना है, फिर जाना नीचे वाला टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, जो यहाँ पे नोड डायरेक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोड डायरेक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद गाइस देखिए यार हमारी जो फोटो का रिजल्ट है वो आ चुका है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मैं मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।